हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन लेके आए, जो कि है एक दानिश करके एक सब्सक्राइबर थे। उनने हमसे पूछा कि यार जनवरी के अंदर हमारा प्रोडक्ट बिका, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। उनने बोला कि यार हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है जनवरी के अंदर, और मान लो कि वो फरवरी में वापस आ रहा है, जनवरी की फाइलिंग वो जीएसटी की कर चुके हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस चीज को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ, और उनको लगता है कि यार वो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये पूरा कवर करेंगे। क्योंकि उसको किस तरीके से आपको करना है, अपने अकाउंटेंट को क्या जैसा डाटा दोगे, तो वो पूरा डाटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने वाला है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम 2 मंथ मान लेते हैं, जे जैन, और यहाँ पे हम मान लेते हैं फैब। ओके, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों को थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। ओके, अब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं दोनों मंथ में एक एक फिगर लेके चलते हैं कि 10,000 हमने 100 ऑर्डर दिए इनने, ठीक है। 100 ऑर्डर इनने दिए, 100 ऑर्डर की वैल्यू मान लो आपके, एक ऑर्डर की वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको, 100 ऑर्डर इजिकल्स टू 100 ऑर्डर मल्टीप्लाई, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 100 ही रुपए का इनका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनने कितने बेचा, 10,000 रुपए का माल बेचा था एग्जाम्पल। उसके अंदर से 20 प्रोडक्ट इनके वापस आ गए, ठीक है, 20 प्रोडक्ट इनके रिटर्न आ गए। उसमें से कितने प्रोडक्ट जनवरी फरवरी में रिटर्न आएंगे वो हम बाद में लेंगे, तो हम ये अभी जनवरी की मान लेते हैं। तो मान लो कि जनवरी में 20 प्रोडक्ट वापस आ गया, तो ये 2,000 रुपए का माल वापस आ गया इनका, बचा 8,000 रुपए का, ठीक है। और एज्यूम कर लेते हैं अभी जीएसटी रेट, यहाँ पर जीएसटी रेट 10%, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। सिर्फ इसलिए अभी भी हम कंज्यूम कर रहे हैं कि 10% एग्जाम्पल के तौर पर जीएसटी रेट है। तो यहाँ पर मैं एक और कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है, ये टोटल सेल, ठीक है, उसके बाद आ रही रिटर्न्स और सी रिटर्न्स, सी सी रिटर्न्स में बोल देता हूँ कस्टमर रिटर्न्स, ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अभी क्या हम लोगों ने लिया कि इनने टोटल सेल कितने रुपए की करी, और थोड़ा सा ग्रो कर देता हूँ, हो सकता है कि ना दिख रहा हो तो मैं आपके लिए, ठीक है ना। 10,000 रुपए का माल बेचा, 2,000 का माल वापस आ गया, और ये टोटल ये है नेट सेल, ठीक है। नेट मैंने इसीलिए आपके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा लिखना। तो हमको पता चला कि इसने बंदे ने 8,000 रुपए का माल बेचा। ये तो उस बंदे को क्लियर था कि यार उसका जीएसटी रिपोर्ट जो बन के आई वो 8,000 रुपए की आई। उसने अपने सीए को पकड़ाया, सीए ने उसका 10% के हिसाब से मान लो कि 800 रुपये टैक्स बताया, और उसने जीएसटी भर दिया, खत्म काम। यहाँ तक तो क्लियर है। फरवरी में भी उसने ऐसे ही कुछ सेल करा, मान लेते हैं कि 10,000 रुपये की उसने सेल करी, फिर से वही वही फिगर मान लेते हैं वापस के 10,000 रुपये का उसने नया माल बेचा, 2,000 रुपये का ये आया, 8,000 रुपये उसकी नेट सेल हुई, ठीक है। अभी का यहाँ पे लेते हुए चल रहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, कंज्यूम करो कि बंदा जो था जनवरी से पहली बार सेल करना चालू कर रहा था, तो इसने अपना जीएस जनवरी का भरा, अब फरवरी का भरा। तो फरवरी में जब इसकी भी नेट सेल 8,000 रुपये, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप एक नया कॉलम हम लेके चलते हैं कि अब कुछ फरवरी में रिटर्न आए, है ना, नेक्स्ट मंथ रिटर्न, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। और वो नेक्स्ट मंथ रिटर्न सिर्फ मान लो कि 10 प्रोडक्ट थे, 10 प्रोडक्ट अगले महीने आए जिनकी वैल्यू 1,000 रुपये थी, तो अज्यूम के हिसाब से तो इसको 7,000 रुपये का टैक्स बनना चाहिए। मतलब देखा जाए तो वही सिंपल सी बात है कि आपने बोल रहे हो कि यार अनस भाई यहाँ पर मान लो कि मैं तो टैक्स भर चुका हूँ, अब वो वापस आ गया 1,000 रुपये का आइटम, ठीक है, उसका टैक्स बन रहा है 100 रुपये, तो वो 100 रुपये टैक्स में गवर्नमेंट से वापस कैसे लूँ? तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से वापस नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पर जब B2C होता तो आप क्या करते हो, एक कंपनी का नंबर बता देते हो कि हमने इससे माल वापस लिया, ठीक है, तो वहां पर हो जाता है। अब B2C के अंदर आप कोई कस्टमर से माल तो ले रहे हो, वो तो ठीक है, पर आप गवर्नमेंट को डाटा कैसे देते हो, आपको थोड़ा समझना है, आपके अकाउंटेंट को पता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया था कि 10,000 की आपने सेल करी, उसमें से MP मतलब मध्य प्रदेश, UP में छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी स्लो रहा है, ठीक है ना, मतलब इजिली जल्दी बन जाए। तो MP में मान लो कि आपने 5,000 का सेल करा, और UP में आपने 4,000 का सेल करा, है ना, और WV वेस्ट बंगाल के अंदर आपने 1,000 रुपये का सेल करा, राइट। आपने करा ये जैन के अंदर जनवरी में, ठीक है, ये आपने जनवरी में करा, ओके। अब फरवरी के अंदर एग्जाम्पल के लोअर पे लेके चलते हैं, फेब में आपने 9,000 रुपये का सेल सीधे कर दिया इसके अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश में, माइनस 1,000 रुपये का सेल आपको दिखाएगा,
आपकी जो एक्सेल शीट है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यूपी का। आपने मान लो कि माल कहाँ से वापस आया आपका, माल वापस आया आपका यूपी से। तो जब आपकी जो पूरी एंट्री वाली शीट आएगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास किसी एक बंदे की भी शीट रही हुई तो मैं आपको अभी हाल ही बताता हूँ, ठीक है? ये ओके, ठीक है, ये मेरे पास मीशो का डाटा है एग्जाम्पल के तौर पे। अभी मैं मीशो की एक्सेल फाइल खोली हुई है, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो किसी की भी फाइलों को डाउनलोड करोगे, आपको यहाँ पे माइनस का साइन देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक माइनस का साइन देखने को मिल रहा है इसी अमाउंट के नीचे, तो ये अमाउंट वापिस भी आया है। अब इसमें काफी सारी एंट्रीज होंगी जो कि ऑटोमेटिकली एक से दूसरे ऊपर कट जाएगी। एग्जाम्पल समझिए, यहाँ से स्टार्टिंग से मैं एंट्री को लेकर चल रहा हूँ, अगर चाहो तो आप जूम करके हाई क्वालिटी में थोड़ा देख सकते हो। इस बंदे ने, ये जो भी मेरा सेलर है, ठीक है, इसने एक माल बेचा और वही वापस आ गया, ठीक है? ऐसी एंट्रीज तो मिल जाएंगी इस पूरी शीट में। तो ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली एक से डिलीट कर रहा है, बेचा माल वापस आया इसी महीने में, बात खत्म। ये कौन सी बात कर दी हम लोगों ने, ये हमने बात करी है वही बात कि आपने यहाँ पर मान लीजिए कि 10,000 का माल बेचा, 2,000 का वापस आ गया, माइनस हो गया, 2,000 का माल वापस आया मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो माइनस हो गए, 8,000 बचा, ठीक है ना? तो यहाँ पे वही चीज आ रही है कि हमने कितने का माल बेच के कितना वापस आ गया। पर कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जिसका मान लो उसका ऊपर का सेक्शन नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक ही एंट्री दिखाएगा सिर्फ माइनस की। तो अगर हम उसका इनवॉइस नंबर ढूंढेंगे भी तो शीट में नहीं होगा, वो मिलेगा हमको पिछले महीने की जनवरी की शीट में। तो यही चीज हम आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ एंट्रीज मिलेंगी आपके सिर्फ माइनस की, जिनका कोई ठिकाना नहीं होगा। तो आपके अकाउंटेंट को भरना किस तरीके से, उसको हर महीने पूरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है, राइट? आप मंथली मंथ वाइज भरते हो। तो जब आपने एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहाँ पर एक तीसरी चीज मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। अब सिर्फ आप एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका अकाउंटेंट होगा या आप खुद से फिलिंग कर रहे हो, तो आपने जनवरी की सारी एंट्री, वो सॉरी जनवरी बोल रहा हूँ मैं आपसे, मध्य प्रदेश की आपने सारी एंट्री अलग करी, ठीक है? मैं आपको कुछ एंट्रीज बताते हुए चल रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 एंट्रीज के अंदर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं और आप उसको समझते हैं कि किस तरीके से होगा, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 5 एंट्री ले ली मध्य प्रदेश की। 5 एंट्री में से पहली एंट्री रही प्लस की, 200 रुपये का माल बेचा, 400 का बेचा, माइनस 600 रुपये का, 650 का माल वापस आया पिछले महीने का मान लो, माइनस 200 रुपये का माल वापस आया, ये वही माल है जो पहली एंट्री दिखा रही है, ये भी वापस आ गया। और हमने फिर माल बेचा इसको मान लो 200 रुपये का, ये कुछ हमारे आइटम्स थे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना? तो जो अकाउंटेंट होगा वो भरेगा किस तरीके से, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर वो क्या करेगा, सारे मध्य प्रदेश की एंट्री को प्लस करेगा, ठीक? जब वो सारी मध्य प्रदेश की एंट्री को प्लस करेगा तो पता चलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमारा ये अमाउंट कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम इसको ले लेते हैं 250 रुपये, ठीक है? ये जब वो सब प्लस करेगा तो पता चलेगा हमारा मध्य प्रदेश में टोटल सेल हुई है, मध्य प्रदेश की टोटल सेल हुई है 350 रुपये की, ठीक? यहाँ पे मैंने इसको करके सम करा तो 350 रुपये आ गया। तो अब जब वो जीएसटी भरेगा ना, तो 350 रुपये ही जीएसटी भरेगा वो आपका। एग्जाम्पल के तौर पे ये एंट्री माल वापस आया तो इसकी एंट्री वो डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल में आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो उस तरीके से यहाँ पे जाएगा। ऐसे ही अलग अलग वाइज में, अगर आपके पास को मेरे पास कोई अगर एक्सेल शीट रही तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो आप देख पा रहे होगे ये वो शीट है जो जीएसटी के लिए डाउनलोड अपलोड होती है। तो यहाँ पर हमने सारा का सारा डाटा बताया हुआ है कि कौन से स्टेट में कितने परसेंट का माल बिका, और ये टोटल है ओवरऑल। इसमें मान लो एक बंदे का सिर्फ इतना नहीं बिका, अब ये कोई महाराष्ट्र में 9,000 रुपये का माल एक प्रोडक्ट तो बेचा नहीं, इनने इनने कई सारे प्रोडक्ट बेचे, उसको सिंक्रोनाइज करा उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि सारे प्लस और माइनस की एंट्रीज को बल्क करा, उसके 18% का सारा रेट एक जगह पे ला के यहाँ पे बताया कि हमने इतने रुपए का माल बेचा। अब जब ये जीएसटी पोर्टल पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और यहाँ पर बता देगा कि इस तरीके से काम होगा। ये हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको मैंने बहुत इजीली वे में बता दिया और बहुत डिटेल में बता दिया कि जो माल, एक बार समराइज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, जो माल आपने जनवरी में बेचा है वो अगर जनवरी में वापस आ गया तो बढ़िया है, अगर वो फरवरी में आ गया तो फरवरी के माल में से वो माल वापस हो जाएगा। मान लो कि अगर आपने 10,000 का फरवरी में माल बेचा और जनवरी में का 2,000 का वापस आया, तो वो तो फरवरी के माल से भी वापस हो, मतलब माइनस होके 8,000 की ही जीएसटी भरी जाएगी फरवरी में। ये बात क्लियर है?
अब अगर आपको जीएसटी समझना है या आपको खुद से अपना जीएसटी भरना है, आप चाहते हो कि एक ऑनलाइन सेलर हो और अपना पैसा बचाना चाहते हो कि ये जीएसटी में आपका पैसा ना लगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वैसे में नंबर नहीं अभी छोड़ दिया मैंने हटाना, मगर मैं आपको 9340076173, ठीक, ये आप देख पा रहे होगे, ये अभी मेरा नंबर है। आप चाहो तो इस पे एक कॉल कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो, या व्हाट्सएप करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जीएसटी सीखना चाहते हो ऑनलाइन सेलिंग के लिए, कि आप अगर खुद का जीएसटी भरना चाहते हो, महीने के 1500 से 1000 रुपये बचाना चाहते हो, खुद से भरना चाहते हो, तो ये वन ऑन वन ट्रेनिंग रहेगा, ताकि हम आपको बता सके कि किस तरीके से आप अपना जीएसटी भर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये और पुरानी चीज़ पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। उन लोगों को भी शेयर करें जो जीएसटी में कन्फ्यूज होते हैं, और छोटे छोटे डिटेल्स वाले वीडियोस तो जीएसटी के लिए हम वैसे ही बनाते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ, थैंक यू सो मच।